हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमा की कढ़ाई। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों वाली भिंडी की सब्जी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें 2 बड़ी चम्मच पीली सरसों डालें, 1.5 छोटी चम्मच काली मिर्च डालें, 15 से 16 लहसुन की कलियाँ डालें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लें। ध्यान रहे, हमें इसमें उतना ही पानी डालना है जितने में मसाले ग्राइंड हो जाए, हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब मसाले ग्राइंड हो जाए तब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब गैस पर कढ़ाई को चढ़ाएं, उसमें 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालें। अब मैं यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी ले रही हूँ। भिंडी को आप इसी तरह से कट कर लें। ध्यान रहे, भिंडी को धोने के बाद ही कट करें। अब भिंडी को इसमें डालें और इसे फ्राई करें। भिंडी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब भिंडी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, भिंडी यहाँ पे पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में 3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालें, तेल को गर्म होने दें। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच मेथी का दाना डालें। अब इसे डार्क गोल्डन ब्राउन होने दें। अब इसमें 3 मिर्ची को इस तरह से कट करके डालें, 1 बड़ा सा टमाटर को इस तरह से कट करके डालें। अब हम इसमें उस मसाले को डालेंगे जिसे हमने स्टार्टिंग में ग्राइंड किया था। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डालें, नमक डालें, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब मसालों को भूनें। मसालों को हमें 10 से 15 मिनट के लिए भूनना है। सरसों का मसाला को हम ज़्यादा देर तक भूनते हैं बाकी मसालों के हिसाब से। अब मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, मसालों से तेल निकल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा मसाला पूरी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसालों में से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें भिंडी को डालेंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था। अब इसमें भिंडी डालें और हम भिंडी को मसालों में मिलाएंगे। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जिस तरह का ग्रेवी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से उतना पानी डालें। पानी डालने के बाद इसे चलाएं। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तब हम इसे मीडियम आंच करके हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जब हमारा भिंडी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसे एक बार चलाएंगे और ढक्कन लगा के गैस बंद कर देंगे। देखिए, हमारा भिंडी का सब्जी बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। एक बाउल ले, उसमें आप इसे सर्व करें। तो देखा ना आपने, सरसों वाली भिंडी की सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इस तरह से भिंडी की सब्जी को ज़रूर घर पर बनाएं और सब्जी को रोटी के साथ, चावल के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रेसिपीज़ और लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इस डिश को इंजॉय करें। थैंक यू।